हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी क्या होती है। और उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। दूसरी बात, ये जो वीडियो क्लास मैंने अभी स्टार्ट करा, ये जो क्लास मैंने अभी स्टार्ट करा, ये एमसीयू 23 से रिलेटेड है। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, एमसीयू 23 पार्ट है एम कॉम फर्स्ट ईयर का। मैं फिर से बता रहा हूँ, एम कॉम फर्स्ट ईयर का। ये इसलिए क्योंकि जैन 2022 में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए कोर्स कम्प्लीटली चेंज है। सेकेंड ईयर के चार सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है, नेमली MCO 1, MCO 4, MCO 5 एंड MCO 6। ठीक है, उसके साथ चार और नए सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है फर्स्ट ईयर में। और इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया है, चार पेपर पहले सेमेस्टर में, चार पेपर नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, MCO 1, MCO 4, MCO 5 और MCO 21। सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ना है MCO 22, MCO 23, MCO 24 एंड MCO 6। And the today's topic that we are going to discuss is about MCO 23, ठीक है ना? MCO 23 जिसका नाम है strategic management। और आज का हमारा ये पहला वीडियो strategic management का, तो हम बात करेंगे कि strategic management क्या होती है, फिर strategy क्या होता है। पहले strategy क्या होता है वो समझ लेते हैं, management के ऊपर बाद में जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, स्टार्ट करेंगे फिर, चलिए देखते हैं। सो द वर्ड स्ट्रेटेजी, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। द वर्ड स्ट्रेटेजी हैज एंटर्ड The word strategy has entered in the field of management from military, where it refers to apply the forces against an enemy to win a war. ठीक है ना? तो strategy जो है एक तरीके से जो word है, ये एक तरीके से military से आप निकल करके आता है। ठीक है ना? जब आप military को manage करते हो तो वहां पे एक तरीके से ये word निकल करके आता है कि किस तरीके से आप अपने दुश्मन को हराएंगे, उसके लिए आप एक strategy बना रहे हो कि तुम इधर से अटैक करना और मैं पीछे से अटैक करूंगा, या मैं इस तरीके से अटैक करूंगा, मैं उस तरीके से अटैक करूंगा। तो ये हम लोग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। तो ये वर्ड जनरली जो है ये वहां से निकल के आता है हमारे लिए, बट इसका इस्तेमाल जो है पहली बार एक तरीके से कहा जाता है कि तकरीबन 400 BC के आसपास, 400 BC, आप समझ रहे हो, ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले ये वर्ड जो है तकरीबन इस्तेमाल किया गया था। द वर्ड स्ट्रेटेजी मीन्स द आर्ट ऑफ द जनरल टू फाइट इन वॉर, है ना? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आपकी जो कला है जिसके जरिए आप किसी लड़ाई को लड़ते हैं, किसी वॉर को आप युद्ध को लड़ेंगे, उसको ही हम स्ट्रेटजी यहाँ पे बोलेंगे। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो कहा जाता है द आर्ट ऑफ सो मूविंग और डिस्पोजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉरफेयर एज टू इम्पोज अपॉन एनिमी द प्लेस टाइम एंड कंडीशन फॉर फाइटिंग बाई वन सेल्फ। ठीक है ना? तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी एक तरीके से तैयार करनी है ताकि आपका जो वॉरफेयर है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, आप ठीक तरीके से लड़ सको, यू नो, अपने एनिमी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा सको एंड ऑल। इस तरह की चीजें यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग में है, बट डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको इन जनरल जो मीनिंग होती है वो जाना है। क्योंकि स्ट्रेटेजी, और उससे भी बड़ी बात, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आपसे पूछेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन स्ट्रेटजी की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेटजी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल करते हैं, है ना? हमें अगर घर पे भी कुछ काम करना होता है तो उस चीज के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी कि मुझे ये करना है, ठीक है ना? प्लानिंग को स्ट्रेटजी बोलना सही नहीं होगा, बट फिर भी इट्स अ, यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। प्लानिंग जो होती है वो स्ट्रेटजी का एक तरीके से हिस्सा होती है, एक तरीके से जुड़ी हुई होती है, आप बोल सकते हो। नीचे के लाइन में देखो, आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में, बिजनेस के कॉन्सेप्ट में, कि ये क्या है। So according to Glueck, strategy is unified, comprehensive and integrated plan. Strategy क्या होती है? एक unified, comprehensive, सारी चीजों का सम्मिलित होना, और एक integrated plan होता है। यहाँ पे कोई एक plan नहीं होता, यहाँ पे plan, integration of plans होता है, different different plans होता है जो कि integrated आपस में होते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि इधर से अटैक करना है तो इधर से अटैक करके एंगेज करके रखना, हम लोग पीछे से आकर के अटैक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन भी होता है, यूनिफाइड होता है, दैट रिलेट्स टू स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द फर्म, जो कि किसी भी फर्म को एक तरीके से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाता है कि तुम आगे जाकर के बढ़ सको, टू द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट, ताकि वो एनवायरमेंट के जो भी चैलेंजेस है उसको उसके साथ टैकल कर सके, उसमें रह करके वो आगे बढ़ सके, एंड डिजाइन टू इंश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड थ्रू प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। और आप इस तरीके से इसको यूनिक तरीके से डिजाइन करोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजी को, कि आपका जो भी यू नो ऑब्जेक्टिव्स है आपके एंटरप्राइज का, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें आप अचीव कर सकोगे। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल आई वुड से कि स्ट्रेटेजी का दिया हुआ है,
एग्जाम्पल नहीं डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी बोल सकते हैं लेकिन डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसका फोकस देखो किस चीज पे होता है, इट लेज स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, इट लेज स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग यूनिफाइड कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। इसके डेफिनेशन में तीन वर्ड्स थे जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, स्ट्रेस दिया गया। तो सबसे पहला है कि ये एक यूनिफाइड कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है, दूसरा है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पे मिलता है ताकि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ यू नो चैलेंजेस जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस उसके साथ आप लड़ सको। तीसरा है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, अगर आप ठीक तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलना श्योर है, अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अनदर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज गिवन बिलो विच ऑल्सो रिलेट्स स्ट्रेटजी टू इट्स एनवायरनमेंट विच सेज स्ट्रेटजी इज ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव इट्स गोल एंड मिशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो स्ट्रेटजी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का पैटर्न होता है, उसके रिस्पॉन्स का एक पैटर्न होता है जिसमें वो एक तरीके से अपने गोल्स एंड मिशन को अचीव करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो आसपास का होता है उसको टैकल करने के लिए वो अपने रिस्पॉन्स को तैयार करता है ताकि वो अपने गोल्स एंड मिशन को अचीव कर सके, ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी था, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेटजी होती है उसका नेचर क्या होता है, ठीक है ना। ये टॉपिक कम्प्लीटली नया है हमारे लिए, तो बहुत जरूरी है कि हम इसको धीरे धीरे करें और अच्छे तरीके से समझ समझ के करें ताकि एग्जामिनेशन में लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा स्लो करेंगे बट कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले मैं सब कुछ तैयार कर दूं, इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे दिसंबर में, जब भी एग्जाम होंगे इसके नोट्स मैं तैयार करवा दूंगा। आप फटाफट इसके स्टडी हमारे साथ करो वीडियो देख करके, साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन मैं नोट्स तैयार करूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। चूंकि नया सब्जेक्ट है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं नोट्स कम्प्लीटली तैयार कर दूंगा ताकि आप इसको परचेज करके आप नोट्स के थ्रू बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकें। और वीडियोस तो भाई हमारी है ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।